एवरीवन नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल गो वाव विद पूजा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ईद मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप लुक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइज़र लगाते हुए। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एपिसॉफ्ट एसी का मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन। आपको जो ये मॉइस्चराइज़र है ये फेस के साथ आपको नेक पे भी अप्लाई करना है ताकि जो ओवरऑल ओपन एरिया है वो इवन दिखे। अच्छे से अंडर आई एरिया पे, नेक पे अच्छे से आपको इवनली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद अप्लाई करते हैं लिप बाम। जो मैं यहाँ पे लिप बाम यूज़ कर रही हूँ वो है निविया का लिप बाम। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर है। ये हाइलाइटिंग प्राइमर है क्योंकि हम थोड़ा सा ड्यूई प्लस ग्लोई लुक कर रहे हैं, इसलिए मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आपको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है एंड इवन नेक पे अप्लाई कर लेना है। हम यहाँ हाथ से ही अपने इवनली स्प्रेड कर देंगे इंक्लूडिंग आईलिड्स। अच्छे से मसाज करते हुए पूरे फेस पे आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है। ये लगाने के बाद बहुत अच्छा ड्यूई और ग्लोई फिनिश देता है ये। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128। अगर आप मेरे स्किन टोन पे शेड के लिए जा सकते हो। आपको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने पानी में डाल के रखा था उसको अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद डैब डैब करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा बेस क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर फिनिश देता है। आपकी जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे, वो टोटली कवर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सारे डार्क स्पॉट्स में डार्क सर्कल्स टोटली कवर हो चुके हैं। आपको ऐसे डैप डैप करके ही अप्लाई करना है। उसके बाद नेक पे भी आपको अच्छे से अप्लाई करना है क्योंकि वो ओपन एरिया है एंड फेस और नेक इवन दिखना चाहिए इसीलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप ये जो स्टेप है कंसीलर वाला वो टोटली स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 05 मीडियम मोयन। तो मैं थोड़ा आईलिड पे और अंडर आई एरिया पे जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स है मैं अप्लाई कर लूँगी क्योंकि हम जो आई लुक करेंगे वो थोड़ा पॉप आउट होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, वरना यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप। अच्छे से डैब डैब करके आपको इवनली अप्लाई कर लेना है। ये जो कंसीलर है बहुत इजीली ब्लेंड होता है, बहुत अच्छा कवरेज देता है एंड इवन इट इज़ वेरी रीजनेबल। इनफैक्ट जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ सारे बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम फिल करेंगे आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्राउ किट। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, स्पूली लेके अपने आईब्रोज को कोम कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद इसमें से ब्राउ किट में से डार्क ब्राउन शेड लेके सेंटर ऑफ़ द आईब्रोज से स्टार्ट करूँगी। ऑलवेज स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ़ द आईब्रोज, कभी भी आपको स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना है वरना मेस क्रिएट हो सकता है। आपको जो भी स्पूली से आपने जो डायरेक्शन में हेयर को कोम किया है आईब्रोज के उधर, वहाँ पे आपको जितने भी गैप्स हैं बस वहाँ पे फिल करना है सेम डायरेक्शन में। बहुत ही रीजनेबल किट है और बहुत ही अच्छा आईब्रो सेट होता है। अगेन आफ्टर अप्लाइंग दी आईब्रो किट मैं यहाँ पे फिर से स्पूली की हेल्प से सेट कर दूँगी ताकि जो भी पाउडर मैंने अप्लाई किया है आईब्रोज पे अपने वो इवनली स्प्रेड हो जाए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर अपने बेस को सेट करने के लिए। तो ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इट इज़ फ्रॉम द कंपनी ओरी फ्लेम और ये कलर बॉक्स का फेस पाउडर है।
यहाँ पे मैं अच्छे से पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि जो मेरा बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए, और इवन नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ दी फेस पैलेट, वो है फेसेस कैनेडा का अल्टाइम प्रो फेस पैलेट। यहाँ पे आपको कॉन्टोर शेड मिल जाता है, इसमें ब्लश मिल जाता है और एक हाइलाइटिंग शेड मिल जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी कॉन्टोरिंग शेड और अपने फेस को स्क्वीज करते हुए वो जो लाइन क्रिएट होता है वहाँ पे कॉन्टोर कर लूँगी ताकि मेरे फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाए। आप देखोगे कितना अच्छा शीन प्रोवाइड किया है, बहुत ही अच्छा फेस पैलेट है, यू कैन गो फॉर इट। अच्छे से रीअप्लाई कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से जो स्ट्रक्चर है मेरे फेस का वो दिखे, थोड़ा सा फोरहेड पे, थोड़ा सा जॉ लाइन पे, अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हो कितना फ़र्क है, जो मेरा फेस राउंड दिख रहा था उसको अच्छा सा एक शेप मिल चुका है। देन मैं सेम पैलेट में से ब्लश जो है वो अप्लाई करूँगी, ये बहुत ही सुंदर सा पिंक ब्लश है, तो अपने चीक बोन्स पे और नोज़ पे एंड हल्का सा थोड़ा फेस पे भी अप्लाई कर लूँगी। देन अगेन वो कॉन्टोर शेड को लेके मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। जी हाँ, यहाँ पे हम कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं यूज़ कर रहे, विद द हेल्प ऑफ सेम फेस पैलेट हम लोग अपना आई मेकअप भी करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली मेकअप है, ये कोई भी कर सकता है विद द मिनिमल प्रोडक्ट। अब वो बेस पे कॉन्टोर शेड लगाने के बाद मैं उसके ऊपर जो सेम पैलेट हाइलाइटिंग शेड है जो हाइलाइटिंग, उसको मैं आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी ताकि थोड़ा हल्का सा हम लोग को शिमरी इफ़ेक्ट मिल जाए। आप देख सकते हो कितना सुंदर शेड है। नेक्स्ट मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो शैम्बोर का ग्रीन काजल है, क्योंकि हम नीचे अपने वाटर लाइन पे अंडर आई एरिया पे यहाँ पे ग्रीन कलर का काजल यूज़ कर रहे थे, इसलिए हमने जो आईलिड का जो कलर है वो सटल रखा है। एंड आपको अच्छे से जैसे आप काजल अप्लाई करते हो नॉर्मली वैसे आपको अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो आउटफिट कैरी किया है दैट इज़ ग्रीन एंड गोल्डन कलर, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ग्रीन काजल चूज़ किया है। आपका जो भी कलर का आउटफिट है आप वो काजल यूज़ कर सकते हो फॉर दिस लुक। अंडर आई पे अच्छे से लगाने के बाद आपने देखा है मैंने थोड़ा सा विंग निकाला है ताकि मेरे आईज़ को एक अच्छा सा लुक मिल जाए। सेम प्रोसेस विद द नेक्स्ट आई। अच्छे से काजल अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा विंग निकाल लूँगी यहाँ पे साइड में, ये देखिए इस तरह, इससे बहुत ही सुंदर लुक मिलता है आपके आईज़ को। दैट्स इट, आपका आई मेकअप हो चुका है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ अप्लाइंग मस्कारा, एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, वन ऑफ द बेस्ट एंड रिजनेबल मस्कारा है। ये बहुत ही अच्छा शेप देता है आपके आईलैश को। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपको इस वीडियो में दिखाए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू चेक। अगर आपको बाय करना है तो आप उस लिंक में जाके बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू हाईलाइट माई फेस, तो यहाँ पे हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाईलाइटिंग हाईलाइटर। आप देख सकते हो कितना सुंदर शेड है, इंस्टेंटली आपके फेस को ग्लो अप कर देता है, ये बहुत ही सुंदर ग्लो प्रोवाइड करता है, एकदम नेचुरल स्किन लाइक ग्लो अप्लाई करता है, ऐसा लगता है आप ग्लो कर रहे हो विद इन से। पूरे फेस पे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड थोड़ा सा मैं अपने फिंगर से अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लूँगी, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज सेटिंग द मेकअप, तो मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ अगेन फ्रॉम दिस स्विस ब्यूटी,
वन ऑफ द रीजनेबल एंड बेस्ट मेकअप फिक्सर। आप देखिएगा कैसे एक अच्छा इफेक्ट, एक अच्छा शाइन आता है ये लगाने के बाद। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद आपको हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा मेकअप अच्छे से सेट कर लेना है, डैब डैब करके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम दी पर्पल। यहाँ पे मैं न्यूड शेड अप्लाई कर रही हूँ, जो शेड का नाम है दैट इज़ जुम्बा पार्टनर 22। क्योंकि हमने थोड़ा सा जो आई मेकअप है वो ड्रामेटिक रखा है, इसलिए हम जो लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ टोटली न्यूड। एंड लास्ट में देखिएगा ये लुक कितना सुंदर और फ्लॉलेस लगता है। एंड लास्टली फिनिशिंग दी लुक विद दी पेयर ऑफ झुमकास। आप देखिए कितना सुंदर फ्लॉलेस मेकअप आया है, एकदम बिगनर फ्रेंडली है। डू ट्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.